देख रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली फाइनली एक अच्छे सीज़न के बाद तो मौसम तो वैसे अभी भी अच्छा है ब्रीड वगैरह के लिए, लेकिन लालच बिल्कुल नहीं करना। बर्ड को मतलब रेस्ट भी देना ज़रूरी होता है। 5 क्लच ये लगातार कर चुके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशीर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, आज का हमारा व्लॉग। तो लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अब कुछ बेहतर है पहले से, और बस इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मौसम की सूरत हाल आपको थोड़ी सी दिखा दूँ। कल रात तकरीबन सारी रात ही बारिश होती रही है, जिसमें तेज़ भी थी आहिस्ता भी थी, और तकरीबन सारी रात ही ना बारिश होती रही है। और आज का दिन तकरीबन कह रहे हैं कि लास्ट है, नेक्स्ट वेव अभी कोई अनाउंस नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 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 अल्लाह का शुक्र है, ये आप कंडीशन चेक कर सकते हैं मौसम की, बारिश की वजह से, कि एक तो बाहर का मौसम सब्ज़ा, और फिर वो सारे जब पत्ते वगैरह धो के ना इनका कलर बड़ा अच्छा निकलता है। तो बर्ड के लिए ये पौधे वगैरह सारे इसीलिए इधर रखे थे कि यहाँ पर ना एक अच्छी लुक देंगे, तो उसका फ़ायदा हुआ है। बारिश के बाद यहाँ पर यही फ़ायदा होता है, और एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि रिंग नेक का जो हम आर्टिफिशली टेम्परेचर सेट करके नेक्स्ट क्लच लेने का सोच रहे थे, वो जो है चीज़ वो कुदरती तौर पे बन गई है। अभी तक तो बनी हुई है, जिन पेयर्स के चिक्स उठा लिए हैं, लास्ट वीडियो में आपने देखा था जो हमने चिक्स भेजे थे, जो पेयर फ्री हो चुके हैं वो तो कर रहे हैं जी दोबारा नेस्टिंग। इवन के ये वाला पेयर जो है ये काफ़ी दिनों का फ्री है, तो इसकी फीमेल भी बार बार बॉक्स में जा रही है। इसकी कंडीशन से लग रहा है कि ये इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर ब्रीड कर जाएगी। ओल्ड एवरी में जो पेयर्स हैं उन्होंने दोबारा से नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, अब देखते हैं कि कब जाके वो ब्रीड करते हैं। आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने चिक्स जब भेज दिए, उसके बाद थोड़े से काम, एक तो फीड वगैरह ऑर्डर करनी थी, तो दाना ऑर्डर किया है जो इधर, ये अभी एक चीज़ पड़ी है ये आपको बाद में दिखाता हूँ। ये दाना अभी थोड़ा सा पड़ा है, पहले ये भी महीना एक निकालता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ दिन ऊपर चला गया है। वो जो रिंगनेक का दाना है वो ख़त्म हो चुका था, वो भी आ चुका है, और साथ मैंने दूसरा भी मंगवा लिया है कॉकटेल वगैरह का। डब का दाना अभी इधर थोड़ा सा मौजूद है, ये देखें जी ये थोड़ा सा मौजूद है, तो ये गुजारा कर जाएगा। वैसे ये थोड़ा ही होता है, किलो दो किलो, तो ये मैं इधर अपने सिटी से भी बनवा सकता हूँ। उसके बाद जी हमने क्या किया, एक फीड भेजनी थी कल, वो भेजी। मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर सका, कल गया था मैं फिर सिटी, कुछ काम जो बर्ड कार्गो करवाने के बाद ज़रूरी थे, वो मतलब पेंडिंग थे काफ़ी दिनों के, तो वो मैं करके आया हूँ पूरे, आपको उनकी थोड़ी सी आज डिटेल बताऊँगा। और एक वो उधर हमारा पेयर है उसको आज हमने करना है फ्री। फ्री क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारा भी आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो एक तो हैंड फीड एक पार्सल करनी थी, ठीक है, इस्लामाबाद, वो हमारे एक व्यूअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो उनको कल कार्गो करवाई है। उसके बाद जी एक हमारा ये वाला पार्सल है, ये अभी अनबॉक्स भी करेंगे। ये हैं जी हमारी रिंग्स, आपको कहा था कि मैंने रिंग का ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये ना बस किस्मत अच्छी, जिधर से मैंने मंगवाई हैं उनको मैं बार बार मैसेज कर रहा था कि मुझे रिसिप्ट सेंड कर दे, market.pk, ठीक है, सर्विस इनकी बहुत तेज़ होती है, एक दो दिन में तैयार कर देते हैं। आमतौर पे जो रिंग्स वाले हैं ना वो हफ्ते लगा देते हैं, लेकिन इनकी सर्विस हर बार ना बड़ी तेज़ होती है, मुझे इस चीज़ का है। और रिंग्स भी इनके क्वालिटी के होते हैं, मैं आपको भी दिखाऊँगा भी। तो सीन ऐसा हुआ कि ये पार्सल हमारा आया हुआ था, और मुझे मैसेज नहीं आया, कॉल वगैरह किया, लेकिन मेरे इधर नेटवर्क इशू होता है, तो मुझे दो दिन कॉल नहीं रिसीव हुई। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि भाई आ जाएं वरना ये वापस चला जाएगा, तो मैं फिर गया हूँ, साथ ये लिया। उसके बाद हमारा जो नेस्टिंग मटीरियल है, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका था, तकरीबन ख़त्म होने वाला था, उसका एक बोरा ले आया हूँ, वो मैं एडवांस आके रखता हूँ, उसको धूप लगवा के सुखा के रख लेना है, और फिर वो काम आता रहता है। बॉक्सिंग में डालना होता है, चिक्स के नीचे डालना होता है, तो वो बड़ा ना फ़ायदा देता है। और उसके बाद जी ये देखें जी माशाल्लाह, ये इधर से भी ना हैचिंग की न्यूज़ आने वाली है, एक दो वीडियो में उम्मीद है कि मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी आ जाएं जी, ये मैं पार्सल इनबॉक्स कर लूँ, आपको अभी ये भी दिखाता हूँ, जैसा कि आपको भी वीडियो में बताया है, इधर कुछ ऐसा पड़ा है जो हेल्प कर सके। यस, तो ये जी इसमें कुछ हैं जी कॉकटेल के रिंग्स, और कुछ हैं जी रिंग नेक के,
ओप्स, बड़ी सॉलिड पैकिंग की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जी हो गया अनबॉक्स। और ये देखें जी माशाल्लाह रिंग्स। अब इसमें कौन से हैं मैं आपको बता दूं, एक तो बॉक्स इस तरह का है, बर्ड सारे डाल रहे हैं। तो ये हैं जी ब्लू वाले सारे रिंग नेक के, और ये जो पर्पल आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे हैं जी कॉकटेल के। और इन पे नंबरिंग सब पे सेम है, 26 से लेके 50 तक करवाई है। मैं 1 से 25 तक कई दफ़ा बना चुका हूँ। साथ इस पे हमने मेंशन करवाया है FB, YouTube, वॉइस ऑफ एनिमेलिया, और बाकी नंबरिंग है ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 50 से अबाव भी मुझे लगता है कि इस बार 6 चले गए हैं या चले जाएंगे, वो इंशाल्लाह सीज़न के एंड पर हम एक ही दफ़ा कैलकुलेट करेंगे। तो वेरी नाइस और अच्छी तरतीब के साथ, नहीं ऑर्डर में नहीं है इनको, मुझे लगता है कि मुझे नहीं ऑर्डर में ही है, तो नंबरिंग के हिसाब से हैं। तो मैं मुझे लग रहा था कि शायद मुझे इनको सेट करना पड़े, लेकिन ये सेट ही हैं और बड़े अच्छे तरीके से। तो इनको अभी रख देता हूँ वापस। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। आज जो हमने करना है मैं आपको वो दिखा दूँ। तो करना इस तरह से है कि हमारा इनो का जो पेयर है ना, ये रेड आई एक ही पेयर है इनो का, ये माशाल्लाह से 5 क्लच पूरे कर चुका है। 5वें क्लच की इसकी हैचिंग, 5 अंडे थे और इसमें से 5 हैच हुए। वीडियो में आपको दिखाया था छोटा चिक, हमने इसका फोस्टर किया कोई सीन इस तरह का, लेकिन वो ना एंड वाले चिक को इसने फीड ही नहीं करवाई। अच्छा कॉकटेल को एक ये मैंने आदत देखी है कि अगर इनको एक बार सॉफ्ट फूड की लत लग जाए ना, तो फिर ये चिक्स को अपने को ना फीड नहीं करवाते जब तक इनको सॉफ्ट फूड ना मिले। क्योंकि ये सीन ना मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है, मतलब दिन के 1, 2, 3 भी बच जाए ना कि फीड नहीं करवाते अपने चिक्स। जब इनको आखिरी उम्मीद हो के अब नहीं आना फूड, तो फिर ये फीड करवाते हैं दाना थोड़ा सा, और इस चक्कर में छोटा चिक जो एक्सपायर हो जाता है। तो इसी तरह उस दिन इसका चिक एक्सपायर हो गया माशाल्लाह। इसको सितंबर में बॉक्स लगाया था, सितंबर या अक्टूबर में, अब एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे याद, वो पिक्स वगैरह कोई पड़ी होंगी। तो मैंने वैसे तब वीडियो अपलोड की थी, अब चैनल पर चेक कर लीजिएगा। तो इसने पहले क्लच में 7 अंडे दिए थे और 7 के साथ ही फर्टाइल थे, और उसमें से कोई 2 शायद चिक निकले थे क्योंकि केज गिरा था उन दिनों, मिसअप हुआ था, अंडे ज़ाया भी हुए थे, डेडिंग शेल भी हुए थे। और अभी मेरे माइंड में जो एक मज़े की बात आई है कि उस दिन भी फ्राइडे था जब हमने बॉक्स लगाए हैं, और आज जब बॉक्स उतार रहा हूँ आज भी फ्राइडे है, जुमे के दिन ही बॉक्स उतार रहा हूँ। तो करना ये है, अभी इस बॉक्स में पड़े हैं जी 2 चिक, ये माशाल्लाह पेयर है, 5 क्लच पूरे कर चुका है, और इनकी मूवमेंट से लग रहा है कि अगर मैंने इनका बॉक्स ना उतारा ना तो इन्होंने 1 क्लच और कर जाना है। लेकिन इतना लालच भी नहीं करना, माशाल्लाह जितनी ब्रीड दे गए हैं बहुत अच्छी है। लास्ट क्लच मेरे से ज़ाया हो चुका है, 3 चिक उसके मैंने नहीं बचा पाया, लेकिन कोई इशू नहीं है। अभी ये वाले जो 2 चिक हैं ना, ये मैं उठा के करने लगा हूँ पोस्टर, और इनका हम आज ना बॉक्स उतारने लगे हैं। अभी इन चिक्स को रिंग्स भी पहनाएंगे, रिंग भी आ चुके हैं, पहले तो रिंग नहीं थे। ये देख ले जी माशाल्लाह से फीड हुई हुई, कुछ चिक मैंने पहले पोस्टर कर दिए हुए हैं इसके 2, लास्ट उस पर वीडियो आपको मैंने दिखाई थी। अच्छा ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेक करें जी चिक्स, ओके यस, मुझे लग रहा था कि शायद इसको लैग का इशू ना हो, लेकिन ठीक है। तो ये देख रहे हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फाइनली एक अच्छे सीज़न के बाद। तो मौसम तो वैसे अभी भी अच्छा है ब्रीड वगैरह के लिए, लेकिन लालच बिल्कुल नहीं करना। बर्ड को मतलब रेस्ट भी देना ज़रूरी होता है। 5 क्लच ये लगातार कर चुके हैं, चिक्स हम इनके उठाते रहे थे। चलो ये देखें जी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ये टेम है ना, इस वजह से थोड़ा सा इस तरह से फ्रेंडली है। अभी ये चिक मैंने फोस्टर करने हैं, मैं पहले ये वाला डोर बंद कर लूँ इसका परमानेंट, फिर आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये बॉक्स वाली जगह हमने कर दिया परमानेंट बंद, और ये फ्लास्क के साथ थोड़ी सी सेटिंग होगी, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको ना बाद में कर दूँगा सेट खुद ही। और अभी ये चिक से जिस पेयर के नीचे फोस्टर करने लगा हूँ ना, ये चिक ये पेयर भी बड़ा कमाल का है। सीन ये है कि इसकी ब्रीडिंग में इसमें अच्छे रिजल्ट आए, पहले क्लच में इसने 2 चिक निकाले, दूसरे क्लच में इसने शायद 1 या 2 अंडे ही थे, और इसके नीचे 2 इनों के एग फोस्टर किए। तो ये पीक सर्दी थी और ये अंडों से उठ गए, तो वो अंडे ज़ाया हो गए। तो अभी ये जो चिक्स है ना, अब ये देखें इसके नीचे पहले 3 चिक मौजूद हैं, जिनमें पहले ही 2 इनों के चिक हमने इधर रखे हुए हैं इसी पेयर के,
और एक वीपाइट का है, और साथ ये दो चिक और, तो टोटल हो गए ये पांच चिक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जी सीन, ब्रीडिंग में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं इसने दिया, और लेकिन ये ऐसा कमाल का पेयर है ना फोस्टरिंग में, बच्चे पालने में, अब इतनी ज़बरदस्त फीड करवाते हैं ना। ये अभी तो सॉफ्ट फूड नहीं दिया, सॉरी अगर बॉक्स थोड़ा सा गंदा नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन क्या है कि मौसम की वजह से बस, और चिक्स ज़्यादा होने की वजह से बस ना बॉक्स नहीं साफ कर हुआ। तो ये भी इंशाल्लाह मैं एक दो दिन में ना इसको साफ़ करता हूँ। तो ये है जी इस पेयर की टोटल हिस्ट्री। मेरा तो पहले प्लान बन गया था इस पेयर को निकालने का कि इसकी एवरेज नहीं अच्छी और ब्रीड नहीं इतनी अच्छी करा, लेकिन जब मैंने देखा कि ये चिक जिस तरह से पालता है ना, तो मैंने कहा कि चलें इसको अब हम ना फोस्टरिंग के लिए यूज़ करेंगे, और वो बड़े अच्छे तरीके से ना अपना रोल प्ले कर रहा है। ये देखें ये अभी दाना खा रहा है, नहीं सॉरी खा रही है, ये वाली फीमेल है, ये मेल है। अच्छा बड़े प्यारे हैं ये, मतलब इनमें से जो मेल निकलते हैं ना इस पेयर के अपने, वो बड़े मज़े के होते हैं, वो क्वालिटी भी और लुक भी इनकी बड़ी प्यारी होती है। कल मैंने इनको सॉफ्ट फूड दिया था, आज बस एक दिन का गैप, और अभी इस पेयर ने अंडे दिए हुए हैं, ये पेयर शायद तैयारी कर रहा है। अच्छा इस पेयर ने इतना तंग किया, इसने ब्रीडिंग की इस सीज़न ना, ये वाहिद पेयर है कॉकटेल में से जो इस सीज़न मेरे पास नहीं चला, वरना मेरे जो ये पट्ठे तैयार किए हुए थे ना वी पाइड वगैरह का, ये भी चल पड़े हैं। तो अब इस पेयर का हम नेक्स्ट सीज़न देखेंगे, सोचेंगे कि क्या करना है, इसको रखना है या निकालना है या कुछ भी, जो भी सीन मुझे ठीक लगा ना इसका, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न के लिए अब सोचेंगे। इस सीज़न तो अब नहीं मुझे इनसे उम्मीद, क्योंकि जो दिन गुजर चुके हैं ना मार्च के, वो बस जो पेयर नहीं भी चलता ना कॉकटेल का, वो भी ब्रीड कर जाता है, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या किया है। तो ये है जी हमारी आज की वीडियो, आज का हमारा व्लॉग, ब्रीडिंग प्रोग्रेस वाली वीडियो फिर रह गई है, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, ना मैं छोड़ रहा हूँ उम्मीद, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस एवरी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और क्या पूछना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या इशू है कमेंट सेक्शन में आप सब कुछ बता सकते हैं, आप सबको आंसर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।